हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये वही जो है मिस्टी मसीह जिनके अंडे दिए हुए थे, आप लोगों को ये प्रोग्रेस अगले वीडियो में देखे होंगे। बाकी उनके अंडे गायब हो गए, अभी उनके बच्चे भी निकल जाते थे, कुछ भी उनका रिजल्ट अपने को पता चलता, लेकिन उनके अंडे गायब होने की वजह से पता नहीं कौन किसने खाया, कहाँ गया। इसी वजह से मैंने बॉक्स और पिंजरे मंगाई हूँ। आप लोग देखे ज़रूर, पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिन के बाद जो है मैं वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताएं। एक्चुअली मेरी तबीयत काफ़ी दिन से थोड़ी ठीक नहीं थी और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, कुछ करने का दिल ही नहीं हो रहा था, इसीलिए नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है तो मैंने कुछ काम करी हूँ। कुछ सामान मंगाई थी एक्चुअली परिंदों की, बर्ड्स के लिए। एक्चुअली उनकी जब उन बर्ड्स को रखते हो तो बर्ड्स के लिए तो कुछ, मेरे जो आप लोगों ने अगले वीडियो में देखे होंगे कि मेरी जो मिस्टी और मेसी अंडे दिए होते तो वो अंडे चार थे, तो वो अंडे गायब हो गए। एक्चुअली उनके बॉक्स के अंदर है ना थोड़ा फाटक है, उससे है ना चूहे ने घुसकर जो है शायद वही कसू कुछ ना कोई घुसा होगा और खा गए। तो फिर मैंने उसके लिए ऐसे पिंजरे मंगवाई हूँ। आप देख सकते हो ये फोल्डिंग पिंजरा है और एक मैंने पिंजरे बना के तैयार कर दी हुई है। देखो इस तरीके से बन के तैयार हो गया है, इस तरीके से मैंने मंगाई थी, ये अहमदाबाद से मैंने मंगाई हूँ। और एक्चुअली मैंने यहाँ पर यही पिंजरे देखने के लिए गई है, लेने के लिए पूछी, काफ़ी महंगा काफ़ी रेट ज़्यादा बता रहे थे, तो फिर ये पिंजरे मैंने मंगाई हूँ। देखो इसकी वायर सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी, मज़बूत, क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है और 1.5x2 की है तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। तो इसकी मैंने आपको बता दूँ, मैंने वहाँ से मंगाई है, एक हमारे जान पहचान वाले थे, अच्छे इंसान थे, उनसे मैंने ये ली है। तो उनसे मैंने ली, ये मेरे को 800 रुपये में पड़ी, 1600 रुपये की दो पड़ी। और इसके अंदर पूरी सब कुछ सेट आएगी, मैं वो बनाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे सेट आती है। और ये हमारा जो है ना, आप जो घर देख रहे हो ये मेरे ऊपर वाला मकान है। तो बस हाँ, ये हम मैंने बैठी हूँ इसको फोल्ड, इसको बैठ कर एक तो मैंने सही करी और सही करते करते आपको दिखा दूँ। ये उंगली देखो ऐसे हो गया है, फट गया है तकलीफ, तो ऐसे हो गया है जो पहली बार इसको लेके बैठ गई हूँ और कर रही हूँ, करना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए सब कर रही हूँ। और आप सब दुआ करें और इंशाल्लाह और भी कुछ और भी वीडियो आप लोगों को, और भी कुछ सामान मंगाई वो भी आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स ये सब ये तैयार हो गया। आपको जो मैं अभी पिंजरे फोल्डिंग थी वो एक बनाई थी और एक नहीं बनी थी, तो ये बना के मैंने कम्प्लीटली तैयार कर दी। ये पिंजरों के जो साथ है ना ये वाली, तो इसके साथ ये दो लकड़ी आएगी जो बहुत बढ़िया मज़बूत अच्छी क्वालिटी की है और ऐसे पानी पीने की है। ये देखो ये बड़ी दरवाज़ा भी है, इसमें आप ऐसे बड़े परिंदों को ऐसे इसमें छोड़ सकते हैं और जब दाना पानी देना हो तो ऐसे इसको कर सकते हैं। और रही बात, यहाँ पर आप ऐसे बॉक्स लगा सकते हैं यहाँ दाने की है, ये तो वहाँ से ही आई थी कटोरियाँ, तो ये है। अब इसमें तो मैंने पार्टनर को छोड़ दी हूँ, आप देख सकते हो। और दूसरी चीज़, आपको जो है ना ब्रीडिंग बॉक्स लगाने के लिए यहाँ से अलग से ही सेपरेट ये लोग ऐसा दिया जाता है जो हमारे कुछ का टेंशन नहीं है। और ये ब्रीडिंग बॉक्स मंगाई हूँ अच्छी क्वालिटी की, बहुत ज़्यादा अच्छी मज़बूत है। एक्चुअली मुझे ये बहुत ज़्यादा भी ऑफ़र थी, मैं जिनस जहाँ से मंगाई वहाँ पर ऑफ़र थी और मुझे अच्छी क्वालिटी में और अच्छी सस्ती मिल गई। तो ऐसे तो 450 लेते हैं बनना ये, तो मैंने पहले भी मंगाई थी, जो मैंने वो 500 रुपये की मंगाई थी बॉक्स, जिसमें है ना कॉकटेल जो है ना अभी फिर से ब्रीडिंग में है। और ये मैंने मंगाई हूँ एक्चुअली मेरे वहाँ जो है ना क्या कहते हैं परी वो बिल्लियों का, आपको तो पता भी मैंने क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरे वहाँ, तो ये प्रॉब्लम की वजह से आप ये देख सकते हो, ये अच्छे से ये यहाँ से आराम से जो है ना परिंदे अंदर जा सकते हैं। इसको लव बर्ड और कॉकटेल दोनों यू के लिए यूज़ हो सकता है। यहाँ से आप जो है ना बाहर से जो आप चेक कर सकते हैं कि आप आपके प्रोग्रेस क्या है क्या नहीं, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी भी इसकी आप देख सकते हैं, काफ़ी मज़बूत है, मस्त, बहुत बढ़िया है ये इसकी क्वालिटी। तो मैंने दो बॉक्स मंगा ली हूँ। और रही बात ये एक और जो है ना फिश की एक आती है कॉटल बॉल करके बोलते हैं कटल फिश,
ये मैंने मंगाई क्योंकि ये परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है बच्चों। ये परिंदों की जो है ना चोंच भी अच्छी होती है, इससे मजबूत हो जाती है। एक हाथ से मैं एक्चुअली वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से आप लोगों को खोल के दिखा रही हूँ, तो उसको कॉटन बॉल बोलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये ऐसे आते हैं, ये फिश जो समंदरी में मिलते हैं ये, तो इसको हमने जो है ना ये मंगाए हैं। ये परिंदे खाने से इनको कैल्शियम मिलती है और बाकी इनके चोंच भी अच्छी मजबूत होती है, इसलिए ये चीज़ें हमारे परिंदे जो कोई भी परिंदे हो उनके लिए इससे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर जाते नहीं हैं, अंदर रहते हैं, तो इनको ऐसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और कुछ स्टार फॉर्म की मेरे पास दवाइयाँ भी हैं, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को कभी दिखाऊंगी। और अब इसमें हम मिष्टी और मिसी को छोड़ते हैं बॉक्स लगा के, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। पहले तो मैं इसको है ना, इनको मिष्टी मिसी को ऐसे ही छोड़ूंगी दो दिन, और फिर उसके बाद इनके बॉक्स लगा दूंगी मैं। ओके, ये देख सकते हैं जो है मैंने यहाँ इसको सेट कर दी है। अब जो है ना ये मिष्टी मिसी को अब इंशाल्लाह इनकी इनको दो दिन सेट हो जाने दो, और बॉक्स तो लगा दी हूँ, अभी नेस्टिंग नहीं दूंगी, दो दिन बाद इनको नेस्टिंग दूंगी इंशाल्लाह। अब ये ब्लैक कलर के पिंजरे में आप लोग मुझे ज़रूर, आप सब मुझे ज़रूर बताना ये इनका मतलब कैसा, ये कैसे लग रहे हैं ये आप देख सकते हो। ये है मिष्टी और मिसी, इनको पालक भी दे दी हूँ और इनको कटल बोन भी दे देती हूँ, आप दे दी हूँ। ये देख सकते हैं पानी इनको मिल गया है यहाँ, इनका एक्चुअली इस तरह का डब्बा आया हुआ था लेकिन मैंने ये वाला दी हूँ क्योंकि ये बैठ के आराम से इसमें दाना खा सकते हैं। अब मैंने इसमें पार्टनर को रख दी हूँ जो हमारे पहले कॉकटेल क्लच का पहले घर का पहला बच्चा, जिसको मैंने यहाँ रखी हूँ। और वो वाले जो कॉकटेल हैं इसके माँ बाप वो दूसरे पिंजरे में हैं, लेकिन वो अभी बच्चे दिए हुए हैं, अभी उनकी प्रोग्रेस चल रही है। इसको भी यहाँ पर पालक दी हूँ और यहाँ भी इसको, और ये यहाँ दाना अभी खा रहा है, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और ये इसके सूरजमुखी के बीज आराम से, बहुत इसको बहुत ज़्यादा पसंद है सूरजमुखी के बीज। और ये पानी, और ये बड़े खुश नज़र आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। और मैं अभी आप लोगों को कॉकटेल के प्रोग्रेस दिखाती हूँ। ये है चांद और तारा का घर, इनको पालक दी थी ये खा लिए, और उनको भी दी हूँ बोन दाना इनका है। और यहाँ जो है ना इनको मैं दिखा देती हूँ, अभी तो फिलहाल एक ही बच्चा है, दूसरे जो है वो भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे, ये भी जो है ना बच्चे निकलेंगे, मैं बच्चे है और ये एक दो दिन में आजकल के अंदर निकल गए। ये इनका इसका बच्चा है, चार पांच दिन वो निकल गया है, और एक अंडा इनका इसका ख़राब हो गया था जो मैंने उसको हटा दिया। और ये है मेरे चांद और तारा जो पुराने पिंजरे में अभी फ़िलहाल के लिए है। अभी ये पालक, और फिर मैंने अहमदाबाद जो सामान मैंने अहमदाबाद से मंगाए थे पार्सल, उसके साथ मैंने जो है ना मस्का बन मंगाई हुई थी। और ये वाला मस्का बन के अंदर जेली है, ये आप देख सकते हो जेली वाला, और ये बिना जेली का मस्का बन, क्योंकि जेली वाला हमने कभी खाया नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ मस्का बन बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं मंगाई हुई थी। ये देख सकते हो मैं जिस जगह से खाती हूँ ये उस जगह का नहीं है, बाकी ये दूसरी जगह का मस्का बन है, लेकिन ये भी अच्छा है, लेकिन मैं जहाँ से खाती हूँ वो भी बहुत फेमस है, वहाँ का भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी अच्छा है। लेकिन मंगाई थी तो मस्का बन खाने का दिल बहुत हो रहा था, तो ये मैंने मस्का बन मंगा ली। एक तो मैंने खा ली हूँ और ये दो बाकी है, एक अहमद रखूँगी और एक मैं खाऊँगी, बाकी यहीं पर हम वीडियो एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, और फुल वीडियो को वॉच करें, मुझे वीडियो फुल देखें, और ज़रूर मुझे जो है ना ज़रूर से ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट ही एक सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और आप लोगों की दुआ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और ये जो परिंदे आप देख रहे हैं ये परिंदे
अपने घर के नहीं हैं, किसी और जगह के हैं, लेकिन आप सभी को किसी को भी कोई ऐसे परिंदे चाहिए हो, आपको ये लव बर्ड्स बोलते हैं जो है ना ब्लू मास में, तो आप लोगों को अगर ऐसे आप सभी भाई बहनों को जिसे भी ये परिंदे चाहिए किसी भी तरह के, आप लोग ज़रूर मुझे बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जो अच्छे ब्रीडर हैं, जो अच्छे मतलब ऐसे वैसे जगह जाके ना ले परिंदे, जो मैंने भी ऐसे वैसे परिंदे ला के बहुत नुकसान उठाई हूँ, लेकिन आप किसी अच्छे ब्रीडर कोई अच्छे जो घर पे ही जो है ब्रीड करवाते हो, ऐसे ब्रीडों से आप ज़रूर परिंदों जो है ना परचेज करें और अपने शौक पूरा करें, और बस वो उनके ख्याल रखें, और जो बाहर के भी परिंदे हैं उनके भी ज़रूर ख्याल रखें। बस इसी तरीके से आप खुश रहें और हर किसी को अल्लाह खुश रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम।